फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम 9th क्लास के मैथ सब्जेक्ट के चैप्टर नंबर 9 एरियाज ऑफ पैरेललोग्राम एंड ट्रायंगल्स की एक्सरसाइज 9.3 कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 15, डायगोनल्स एसी एंड बीडी ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी इंटरसेक्ट एट ओ इन सच ए वे दैट एरिया ऑफ एओडी इज इक्वल टू एरिया ऑफ बीओसी। हमारे पास कोई क्वाड्रिलेटरल दी हुई है, लेट दिस इज ए बी सी डी इज एनी क्वाड्रिलेटरल एंड डायगोनल ए सी एंड बी डी इंटरसेक्ट एट ओ सच ए वे दैट एरिया ऑफ ए ओ डी इज इक्वल टू एरिया ऑफ बी ओ सी। प्रूव दैट ए बी सी डी इज ए ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम दिखाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल, ए बी इज पैरेलल टू सी डी और ए बी सी इज पैरेलल टू ए डी, किसी एक पेयर को हम दिखा दें। तो बहुत ही आसान सा है, सॉल्यूशन देखें। इन क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी डायगोनल ए सी एंड बी डी इंटरसेक्ट एट ओ सच दैट एरिया ऑफ ए ओ डी इज इक्वल टू एरिया ऑफ बी ओ सी। एरिया ऑफ ए ओ डी इज इक्वल टू बी ओ सी। एड ए ओ बी एरिया इन बोथ। एरिया ऑफ ए ओ डी प्लस एरिया ऑफ ए ओ बी, बोथ साइड हमने ये कर दिया, एरिया ऑफ बी ओ सी प्लस एरिया ऑफ ए ओ बी। If AOD plus AOB, it becomes ABD. So area of ABD, ABD. Similarly, BOC plus AOB, it becomes ABC. Is equal to area of ABC. But these are on the same base AB. अब इन दोनों ट्रायंगल का एरिया, दिस एंड दिस, एरिया भी सेम हो गया, ऑन द सेम बेस ए बी भी हो गया। सो ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ए बी इज पैरेलल टू सी डी। ओके, ऐसा हो गया। सो ए बी सी डी, ए बी सी डी इज अ ट्रेपेजियम। ठीक है, अगर दो ट्रायंगल हमारे पास सेम बेस पे हैं एंड हैविंग इक्वल एरिया, दे लाइज बिटवीन सेम पैरेलल्स, एंड अगर वो सेम पैरेलल्स में होती हैं ऑन सेम बेस, देन दे हैव इक्वल एरियाज। चलिए, ये था क्वेश्चन नंबर 15। 16 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, ये आपकी 9.3 का लास्ट क्वेश्चन है। इन फिगर एरिया ऑफ डी आर सी इज इक्वल टू एरिया ऑफ डी पी सी एंड एरिया ऑफ बी डी पी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ए आर सी, शो दैट बोथ क्वाड्रिलेटरल्स ए बी सी डी एंड डी सी पी आर ट्रेपेजियम्स। बहुत ही आसान सा है, सॉल्यूशन देखें। गिवन हमें क्या है, एरिया ऑफ डी आर सी इज इक्वल टू एरिया ऑफ डी पी सी, डी आर सी एंड डी पी सी, बट दीज आर ऑन सेम बेस डी सी, डी सी डी सी, ऑन सेम बेस डी सी एंड हैविंग इक्वल एरियाज। ऐसा है तो वो क्या होती हैं, दे लाई बिटवीन सेम पैरेलल लाइन्स। सो डी सी पैरेलल टू आर पी, दैट इज डी सी पी आर इज अ ट्रेपेजियम। एक तो हमने शो कर दिया डी सी पी आर इज अ ट्रेपेजियम। आल्सो हमें क्या गिवन था, एरिया ऑफ बी डी पी, एरिया ऑफ बी डी पी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ए आर सी, ये हमें गिवन है, बी डी पी एंड ए आर सी। इसमें से मैं ये इक्वल एरिया माइनस कर दूँ, ये इक्वेशन नंबर वन है, ये इक्वेशन नंबर टू, मैंने टू में से वन माइनस कर दिया, एरिया
BDP माइनस एरिया DRC इज इक्वल टू एरिया ऑफ ARC माइनस एरिया ऑफ DPC। एरिया ऑफ BDP में से हमने क्या कर दिया, DPC हम यहाँ पे DPC माइनस करेंगे और इस तरफ हम क्या करेंगे DRC, क्योंकि BDP में से हमारे पास एरिया कौन सा माइनस होगा, DPC का, ठीक है, और ARC में से हमारे पास DRC माइनस होगा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बचा, एरिया ऑफ DCB, एरिया ऑफ DCB इज इक्वल टू ARC में से हमारे पास ये वैल्यू जाएगी तो DCA बचेगा, एरिया ऑफ DCA, बट ये भी सेम बेस DC पे हैं, बट दीज आर ऑन सेम बेस DC एंड हैविंग इक्वल एरियाज। अगर ऐसा है तो हमारे पास AB इज पैरेलल टू, सो AB इज पैरेलल टू DC, दैट इज ABCD इज अ ट्रेपेजियम। यही हमने शो करना था, दोनों ही हमने ट्रेपेजियम शो कर दिए। हैंस चलिए, इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में अगले चैप्टर के क्वेश्चंस के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।